नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तो आप देख रहे हैं डेटाडॉग। इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। जी हां, इसका ग्लोबल लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन इंडिया में ये कब लॉन्च होगा, कौन सा वेरिएंट लॉन्च होगा, उसमें क्या क्या फीचर होगा, उसके बारे में आज एकदम डिटेल में बात करेंगे। एंड मैं इस वीडियो में जो सब इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं वो 99% कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं वहां पर आप इन्फिनिक्स नोट 40 अपकमिंग स्मार्टफोन देख पाएंगे। एंड जो लॉन्च होने वाला है अप्रैल में, अभी तक डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है। इवन मैं आपको एक चीज बता दूं, डेट हम लोगों को पता है लेकिन दैट इज अंडर एम्बार्गो, इसीलिए एग्जैक्ट लॉन्च डेट आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो चीज बता पाएंगे ये मिड ऑफ अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज का टोटल दो वेरियंट आने वाला है इंडिया में। एक है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G, जिसका वेरियंट होने वाला है 8GB प्लस 256GB। 8GB को आप अप टू 16GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं वाया मेमोरी फ्यूजन, एंड ये जो इंटरनल स्टोरेज है दैट इज गोना बी UFS 2.2। दूसरा जो हायर वेरिएंट है विच इज गोना बी इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस 5G, एंड वहां पर आपको दिया गया है 12GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज। एंड ये जो 12GB का रैम है उसको आप अप टू 24GB तक बढ़ा सकते हैं विद दिस मेमोरी फ्यूजन। एंड ये जो इंटरनल स्टोरेज है यहां पर भी आपको UFS 2.2 देखने को मिलेगा। इन्फिनिक्स का ये तो जो स्मार्टफोन है उसके साथ साथ और तीन नए एक्सेसरीज आपको देखने को मिलेगा। एक है मैक केस। मैक केस मतलब क्या होता है, जिसको लगाने के बाद आप मैग्नेटिकली डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये मैक केस इनिशियली आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, वो आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा जितना तक इन्फॉर्मेशन आया है। लेकिन बाकी दो जो एक्सेसरी है वो बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, लेकिन कब लॉन्च होगा, कितने प्राइस में लॉन्च होगा, उसके बारे में इन्फिनिक्स से कंफर्म नहीं किया। दूसरा जो प्रोडक्ट है विच इज मैग पैड, जो एक वायरलेस मैग्नेटिक चार्जिंग पैड है जिसको आप एडिशनली खरीद सकते हैं। जो तीसरा प्रोडक्ट है जो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा, दैट इज द मैग पावर, मतलब सिंपली मैग्नेटिक जो पावर बैंक होता है जिसको आप डायरेक्टली स्मार्टफोन में लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मैक पावर हम लोग दूसरे कंपनी का भी अवेलेबल है, जो एप्पल या फिर दूसरे डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है, होपफुली वो भी शायद ये मैक केस के साथ कंफर्टेबल होगा, वो तो फोन आने के बाद ही पता चलेगा। एंड इन्फिनिक्स का जो ये मैक पावर है उसका कितना प्राइस होने वाला है वो भी देखना बनता है। आपके जानकारी के लिए और एक चीज बता दो, इंटरनेशनली जब ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च हो गया था, ये स्मार्टफोन के साथ साथ और दो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। एक है इन्फिनिक्स स्मार्ट वॉच, जो एक प्रीमियम सीरीज स्मार्ट वॉच था, एंड उसके साथ साथ एक बहुत बढ़िया हाई क्वालिटी वायरलेस एयरबड भी लॉन्च हुआ था, लेकिन ये तो प्रोडक्ट फॉर द टाइमिंग इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। ये जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है जहां पर आपको वायर चार्जिंग मिलता है, वायरलेस चार्जिंग मिलता है, एंड उसके साथ साथ रिवर्स चार्जिंग टेक्नोलॉजी दिया गया, मतलब अगर आप चाहते हैं तो वायर्डली एंड वायरलेसली आप दूसरे डिवाइस को रिवर्स चार्ज भी कर सकते हैं। ये जो वायर चार्जिंग है ये अप टू 100 वाट तक सपोर्ट करता है, डिपेंड अपन द मॉडल विच यू आर बाइंग। एंड ये जो वायरलेस चार्जिंग है ये अप टू 20 वाट तक सपोर्ट करता है। इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस 5G जो स्मार्टफोन है उसके अंदर 4600mAh का बैटरी मिलेगा एंड 100 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, एंड जो चार्जर है वो बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। जो दूसरा मॉडल है, मतलब जो छोटा भैया है, विच इज इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G स्मार्टफोन, जो प्लस नहीं है प्रो वाला, उसके अंदर आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा एंड बॉक्स के अंदर आपको 45 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलेगा। फिर इससे X1 जो चीता X1 चिप है, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बात किया था, आप जाके पर चेकआउट कर सकते हैं, उसको डेवलप किया गया ये चार्जिंग टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर बनाने के लिए एंड आपके फोन को सही से ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि फास्ट चार्जिंग होने से बैटरी के ऊपर भी इफेक्ट करता है, फोन के ऊपर भी इफेक्ट करता है, तो वो इफेक्ट ना पड़े, फोन ज्यादा दिन तक अच्छे से चले एंड बैटरी का जो सर्कल है वो भी ज्यादा दिन तक चले, मतलब लंबा लॉन्ग लास्टिंग हो, उसके लिए ये चीता X1 जो स्पेशल चिप है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज स्मार्टफोन में। और एक चीज आपको बताना बनता है कि जो लोग गेमर है उन लोगों के लिए अच्छा न्यूज ये है, ये फोन सीरीज में आपको बाईपास चार्जिंग का भी टेक्नोलॉजी मिलेगा, मतलब अगर आप डायरेक्ट चार्ज में लगा के बाईपास चार्जिंग को इनेबल करते हैं तब बैटरी के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट चार्जिंग से आप अपने फोन को ऑपरेट कर सकते हैं एंड लंबे टाइम तक गेमिंग भी कर सकते हैं। अब ये 100 वाट एंड 45 वाट, तो डेफिनेटली चार्जिंग जो टाइम है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर में आएगा। इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस जो है उसको 100 वाट से अगर आप चार्ज करते हैं तो 0 to 50% चार्ज होने में लगेगा मात्र 8 मिनट, 8 मिनट में 0 to 50% चार्ज हो जाएगा। एंड जो नोट 40 प्रो है 45 वाट से जब आप इसको चार्ज करेंगे तो 0 to 50% चार्ज होने में लगेगा लगभग 18 मिनट के आसपास। अभी देखिए इन्फिनिक्स ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप अपने फोन को कैसे चार्ज करना चाहते हैं। टोटल आपको तीन ऑप्शन दिया गया है, एक है हाइपर चार्ज, दूसरा है स्मार्ट चार्ज एंड तीसरा है लो टेम्परेचर चार्ज। हाइपर चार्ज जैसे मैंने बताया आप फुल स्पीड में एकदम फोन को चार्ज कर सकते हैं। जो स्मार्ट चार्ज है, स्मार्ट चार्ज जनरली AI बेस्ड चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब रात को ये बेसिकली सीखता है डे बाई डे एल्गोरिदम, आपका यूसेज पैटर्न वो लोग फॉलो करता है, तो उससे क्या होता है
टू 80% ये इनिशियली चार्ज हो जाता है, उसके बाद जनरली आपका पैटर्न फॉलो करके सुबह के टाइम में बाकी जो 20% है उसको चार्ज कर देता है, तो फोन ओवरचार्ज नहीं होता, इसलिए ओवरहीट भी नहीं होता। एंड थर्ड मोड जो ऑप्शन है दैट इज द लो टेम्परेचर चार्ज, वहां पर नॉर्मल चार्जिंग से लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर आपका कम होगा, तो उसमें क्या होगा, चार्जिंग स्लो होगा लेकिन आपका फोन का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस होगा। मतलब स्लो चार्जिंग में हम लोग को पता है बैटरी का हेल्थ भी अच्छा रहता है एंड टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होता। इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज डिवाइस के पीछे आपको एक एक्टिव हैलो लाइट भी देखने को मिलेगा, जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कॉल्स, नोटिफिकेशन, चार्जिंग या फिर गेम, म्यूजिक, वॉइस असिस्टेंस, तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरीके से आप इस लाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो कन्वेंशनल फीचर्स है वो तो आपको मिल ही जाएगा, मतलब इस फोन का क्या क्या फीचर है मोर ऑर लेस आपको पता है, लेकिन जो एडिशनल फीचर इन्फिनिक्स से कंफर्म किया उसके बारे में बात करते हैं। इस डिवाइस में आपको आईआर रिमोट का फैसिलिटी मिलेगा व्हिच इज गोना बी वेरी गुड, तो आप अपने घर के सभी अप्लायंसेस को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। एनएफसी का सपोर्ट मिलेगा, एनएफसी के द्वारा पेमेंट भी कर सकते हैं। IP53 का सर्टिफिकेशन है व्हिच इज जनरली अ स्प्लैश प्रूफिंग सर्टिफिकेशन मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है उसके ऊपर जो प्रोडक्शन है विच इज गोना बी गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद द इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो जो प्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो GG5 मतलब गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन मिलेगा एंड ये जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर विच इज गोना बी ए ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसके मामले में भी इन्फिनिक्स ने काफी अच्छा काम किया, यहाँ पर आपको नो ब्लोटवेयर मतलब जीरो ब्लोटवेयर, जीरो थर्ड पार्टी ऐप का एक OS वो लोग प्रोवाइड करेंगे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्लीन OS, लेकिन ये XOS के ऊपर ही है, स्टॉक एंड्रॉइड नहीं है, लेकिन यहां पर कोई भी एडिशनल या फिर अननेसेसरी ऐप इन्फिनिक्स ने नहीं डाला है। इवन इन्फिनिक्स ने ये भी बोला है जो एप्स हैं अगर आपको नहीं पसंद है उसको आप अनइंस्टॉल भी कर पाएंगे, कुछ कुछ बेसिक ऐप छोड़ के जो एप्स आपको लगता है अनइंस्टॉल करना जरूरी है, आपको पसंद नहीं है, वो भी आप कर पाएंगे, मतलब वो ऑप्शन भी यहां पर दिया गया, तो क्लीन OS का जो फीचर है वो इस डिवाइस के अंदर मिलेगा। MediaTek का Dimensity 7020 का प्रोसेसर मिलने वाला है व्हिच इज अ 6 नैनोमीटर प्रोसेसर विद बोथ द डिवाइसेस, अपार्ट फ्रॉम दैट UFS 2.2 which I have already mentioned, 108 megapixel का primary sensor with OIS optical image stabilization with 2 megapixel और triple rear camera setup मिलने वाला है। And मैंने पूछा था actually कि ये जो OIS optical image stabilization ये खाली फोटोज के लिए ये है या फिर वीडियोस के लिए भी है, तो उन्होंने बताया नहीं ये फोटोज के लिए भी है एंड यू कैन यूज दिस OIS ऑन द वीडियो टू, तो मुझे लगता है अगर वीडियो में OIS अच्छे से मिलता है तो जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है। एंड सेल्फी अगर देखा जाए 32 मेगापिक्सल का सेल्फी इन्फिनिक्स ने प्रोवाइड किया है। डुअल स्टीरियो स्पीकर एंड उसके साथ साथ यहाँ पर JBL साउंड ट्यूनिंग भी मिलेगा जो लास्ट डिवाइस से हम लोगों को मिला था। देखिए अगर डिजाइन देखा जाए मुझे इतना लगता है Infinix 030 का जो डिजाइन है उसके हिसाब से ही Infinix Note 40 सीरीज का डिजाइन किया गया, तो ज्यादा कुछ अंतर आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल सकता है। एंड जो और एक सवाल आप लोगों के मन में आता है कि Infinix इज नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स या फिर सिक्योरिटी पैच अपडेट, लेकिन इस बार Infinix ने एक्चुअली ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन Infinix का मैं ग्लोबल वेबसाइट देख रहा था वहां पर मेंशन किया गया है कि 2 साल का मेजर अपडेट मतलब 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है, 15 एंड 16 आपको मेजर अपडेट मिलेगा एंड 3 साल का मतलब 36 मंथ का आपको सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलेगा। अभी ये ग्लोबली लॉन्च हुआ है, ये इंडिया में आ गया कि नहीं मुझे पता नहीं, तो वो तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है जो ग्लोबली प्रोवाइड किया है वो अगर इंडिया में भी प्रोवाइड करता है 2 साल का मेजर अपडेट एंड 3 साल का सिक्योरिटी पैच, तब मुझे लगता है ये सब डिवाइस लंबे टाइम इस्तेमाल करने के लिए काफी बेहतर होगा एंड Infinix के ऊपर जो नॉर्मल कंज्यूमर है उनका भी ट्रस्ट बढ़ेगा। तो गाइस ये था टोटल डिटेल अबाउट द Infinix नोट 40 सीरीज, 2 डिवाइस लॉन्च होने वाले हैं, वहां पर क्या क्या मिलने वाला है सभी चीज मैंने आपको बताया एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, होपफुली मेरे पास डिवाइसेस जब भी आ जाएगा उसका रिव्यू अनबॉक्सिंग सभी चीज़ आपको मिल जाएगा एक्सक्लूसिवली ऑन डेटाडॉग। एंड ये वीडियो कैसा लगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा एंड ऐसी वीडियोस अगर आपको देखना पसंद है देन डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब टू डेटाडॉग एंड फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स। तो इस वीडियो में अभी तक लेता है, दिस इज योर होस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटाडॉग, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।